हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट प्लस टू क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की हुई है, तो अनदर फॉर्म आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल थोड़ी सी मैंने ज़्यादा आपको सॉल्व करके दिखाई है, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज से हो जाते हैं, ठीक है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक्स कोई फंक्शन है, वो इन फॉर्म ऑफ टी है। एक्स इज ए फंक्शन इन फॉर्म ऑफ टी और वाई एक अनदर फंक्शन है इन फॉर्म ऑफ टी, जी टी कोई अनदर फंक्शन। अब अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स बाई डी टी निकल के आएगा, है ना, एफ डैश टी बन जाएगा जो भी आएगा। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो डी बाई टी टी आएगा और जी टी का जी डैश टी कोई भी आंसर आएगा। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन में ना डी एक्स बाई डी टी पूछा है ना डी वाई बाई डी टी पूछा है, मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए मुझे, या जबकि आपके फंक्शन तो इन फॉर्म ऑफ क्या है, टी है। तो आपने कुछ नहीं करना है बेटा, जो आपने डी वाई बाई डी टी निकाला होगा उसके नीचे डी एक्स बाई डी टी निकल देना है। वाई वाली चीज़ ऊपर रखनी है क्योंकि वाई पूछा गया और एक्स वाली पूछी गई, उसका डेरिवेटिव नीचे रखना है। तो जो आपका आंसर होगा वो आपका रियलिटी में आंसर माना जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर डी एक्स बाई डी टी निकाल लेना है, डी बाई डी टी अलग से निकाल लेना है, दोनों फंक्शनों को ऑन कर देना है, जो भी आंसर आएगा आपका रियल आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इन फॉर्म ऑफ टी ही होगा, वो थीटा भी हो सकता है, वो एल भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। x कोई फंक्शन था 2at square, y कोई फंक्शन था at की पावर 4। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया हमने, क्योंकि फंक्शन इन फॉर्म ऑफ t है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही लिया जा सकता है। तो dx by dt निकल के आएगा। dx by dt क्या आया, 2a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, t square का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 सामने आ जाएगा, 2t पावर रूल लग जाएगा इसके ऊपर। तो dx by dt कितना आया बेटा, सॉल्व करके 4at आ गया। y भी निकाल लेते हैं, y क्या था a t की पावर 4, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया, ये बन गया dy by dt, a हमारा कांस्टेंट है, t की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4t क्यूब पावर रूल लग जाएगा, तो 4 सामने आ जाएगा, 4at क्यूब। तो dy by dt भी आपने निकाल लिया है, dx by dt भी निकाल लिया, आपको dy by dx पूछा गया था सब में, तो dy by dx क्या होगा, dy by dt t अपॉन में dx अपॉन dt, dy by dt ऊपर रखना है, dx by dt नीचे रखना है। तो dy by dt कितना था, 4at क्यूब, और dx by dt कितना था, 4at, 4a 4a आपका कैंसिल हो गया, t के साथ t क्यूब एक वाला कैंसिल हो गया, t स्क्वायर आपके पास बचा है, तो ये आपका आंसर है। ये क्या है, ये है हमारा dy by dx। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे सॉल्व करनी है, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अलग अलग होंगे, दोनों के डेरिवेटिव लीजिए, अपॉन में कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आपको कहोगे सर काफी इजी कॉन्सेप्ट था, इजी है, लेकिन जब आपको फंक्शन सॉल्व करने पड़ेंगे ना इनके, उनके बीच में फर्दर फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन आ रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से फॉर्मूले एप्लीकेबल करने पड़ जाते हैं, प्लस वन क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसमें ज्यादा आने चाहिए। आइए थोड़ी और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फंक्शन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y है b cos थीटा, तो वही t by dx आपसे पूछ लिया, तो ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डेरिवेटिव सॉल्व होगा। तो x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व करने लगे हैं, dx by d थीटा निकल के आएगा, है ना, a कांस्टेंट है बाहर वैसे ही रहा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन मेरा बाहर आ गया। ओके, ऑल्सो y इज इक्वल टू क्या है, b cos थीटा, तो इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, y का बन जाएगा dy by d थीटा, और b आपका वैसे रहेगा बेटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस का साइन इसका बाहर आ जाएगा। हमने पूछा क्या था हमें, dy by dx, तो dy by dx क्या होगा, dy by dx होगा dy by d थीटा अपॉन में उसके dx by d थीटा, यानी कि ये वाला आंसर जो आपका y वाला आया है उसको ऊपर रखना है, और dx by d थीटा जो आया उसको नीचे रखना है, उसके माइनस का साइन माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी बाय ए कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख लिया, साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया मेरा,
कैंसल आउट हो गया और ये मेरा क्या है आंसर है, ये क्या है डी बाय बाय डी एक्स है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका लेवल क्या है। x इज इक्वल टू है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। फिर दोनों फंक्शन अलग अलग हैं और उनका डेरिवेटिव अभी हमने लेना है। तो x फंक्शन इन फॉर्म ऑफ थीटा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, dx by d थीटा निकाला। cos थीटा का डेरिवेटिव कितना हुआ माइनस sin थीटा, माइनस का साइन वैसे ही रहा ये वाला। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस sin 2 थीटा, यही होगा ना। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस 2 थीटा, और 2 थीटा उसके अंदर जो फंक्शन रह गया उसका डेरिवेटिव कितना होगा 2। फंक्शन के अंदर एक अनदर फंक्शन है तो ये माइनस माइनस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा इनटू होके प्लस बन जाएगा यहां पर, ठीक है। बाकी चीज वैसी रहेगी, माइनस का साइन थीटा वैसी रहा और ये जो 2 था ये सामने आ गया उसके 2 यहां पर आ गया 2 sin 2 थीटा। तो dx / d थीटा हमने निकाल लिया, ये आ गया 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा, इसको एडजस्ट करके मैंने लिख लिया sin सही करके। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो इसको भी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा थीटा। डेरिवेटिव लेते हैं, y का बन जाएगा dy/d थीटा और dy/d थीटा हमने लिया तो डेरिवेटिव इसका लेते हैं cos थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा cos थीटा माइनस का sin, और sin 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा 2। तो यानी कि dy/d थीटा कितना आ गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, 2 सामने आ गया। तो dy/dx मैंने क्या निकालना है dy/dx होगा dy/d थीटा और नीचे उसके dx/d थीटा, तो मैंने दोनों को अपॉन में करके लिख दिया और जो मेरा आंसर है वो आपका रियल में आंसर माना गया, ठीक है। तो ये बेटा आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म है, इजी कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे फिर तो ये आपके लिए इजी है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो नो डाउट ये आपके लिए मुश्किल है। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई आपको अगर प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।